हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तन्वीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तन्वीर में। दोस्तों, भारत की सीईआरटी एक सिक्योरिटी एजेंसी ने गूगल क्रोम को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और गूगल ने भी अलर्ट दिया हुआ था कि आप लोग अपने गूगल क्रोम को जो लोग भी गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज करते हैं उसको अपडेट कर लें। दोनों चीजें बताएंगे, मोबाइल में कैसे अपडेट करेंगे और कंप्यूटर में। अगर आप दोस्तों एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम अपने क्रोम को चेक करेंगे कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है और कैसे अपडेट करना है। ऐसे आपका चेक करेंगे कि आपका गूगल क्रोम अपडेट है कि नहीं, इसके लिए इस समय सर्ट नाम की एक एजेंसी ने चेतावनी दी है कि आप अपने गूगल क्रोम को अपडेट करिए और गूगल ने भी कहा है कि आप अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लीजिए और आपका गूगल क्रोम का जो अपडेटेड वर्जन होना चाहिए ये 84.0 इस वर्जन का होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि कैसे आप अपने गूगल क्रोम के वर्जन को चेक करेंगे और अपडेट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो विंडोज के लिए सेटिंग्स है और मैक के लिए कुछ अलग सेटिंग्स है। तो आप टॉप लेफ्ट साइड में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसके बाद दाहिने साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 3 डॉट ये आपको दिख रहा है, इस पर जाएंगे। जाने के बाद हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा अबाउट गूगल क्रोम, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका क्रोम अपडेट नहीं रहेगा तो ऐसे अपडेट लेगा और यहाँ पर आपका क्रोम का अपडेटेड वर्जन दिखा रहा है। हालांकि गूगल कंपनी ने बताया है कि इस पर 76 थ्रेड्स थे जिस कमी को दूर कर लिया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको फायदा हुआ है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।